दोस्तों हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक की एक सूची जारी की गई और इस सूची के अंतर्गत भारत को 57वें नंबर पर रखा गया है। दोस्तों बता दें कि पिछले साल भारत जो था इस सूची में 60वें नंबर पर था, जबकि वर्ष 2015 में भारत को 81वां स्थान प्राप्त हुआ था। पिछले वर्षों में प्राप्त स्थान और वर्तमान में प्राप्त स्थान के तुलना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वैश्विक नवाचार में भारत की जो स्थिति है उसमें लगातार सुधार आ रहा है और जो चीन है वो विश्व के शीर्ष 20 सर्वाधिक नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। और ये जो सालाना रैंकिंग है जो कि प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है, यह कार्नेल विश्वविद्यालय INSEAD और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO विपो द्वारा 10 जुलाई 2018 को यह रिपोर्ट जो है प्रकाशित की गई थी। चलिए जानते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में कि इस रिपोर्ट के मुख्य तथ्य क्या हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष 5 देश कौन से हैं और ये वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता क्या है। तो दोस्तों आप बने रहें वीडियो के आखिर तक, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक क्या होता है। दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है 80 संकेत लिए जाते हैं जिनके आधार पर 126 अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग की जाती है, यानी कि इसमें 80 मानक लेकर 126 जो अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं उनकी रैंकिंग की जाती है और इन मानकों के अंतर्गत जो है बौद्धिक संपदा फाइलिंग दर से लेकर मोबाइल एप्लीकेशन निर्माण, शिक्षा खर्च और वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकाशनों तक को जो है शामिल किया जाता है और एक सूची बनाई जाती है जिसको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कहते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो रिपोर्ट है इसकी मुख्य बातें क्या हैं। दोस्तों बता दें कि स्विट्जरलैंड जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि GII की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार है, यानी कि पिछले वर्ष भी स्विट्जरलैंड को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। अगर हम मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में बात करें तो जो देश है जो प्रथम स्थान पर है वह भारत है, लेकिन अगर दुनिया भर की रैंकिंग में कंपैरिजन करें तो भारत का जो स्थान है वह 57वां स्थान है। तो ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप याद रखिएगा कि जो भारत की रैंकिंग है वह 57 है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। दोस्तों रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो है इसने कई महत्वपूर्ण सूचकांकों की रैंकिंग में जो है सुधार किया है, जैसे उत्पादकता वृद्धि, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और सेवाओं के निर्यात क्षेत्र में भी उसने रैंकिंग सुधारी है जिसके कारण उसको 57वां स्थान दिया गया है। पिछले साल की बात करें तो रैंकिंग में जो है भारत को 3 स्थान नीचे यानी कि 60 पर रखा गया था और मध्य और दक्षिण एशिया में भारत के बाद दूसरे स्थान पर ईरान और तीसरे स्थान पर कजाकिस्तान को रखा गया था। दोस्तों चीन को इस वर्ष 2018 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग में 17वां यानी कि 17th स्थान जो है प्राप्त हुआ है, जो कि चीन की अर्थव्यवस्था की सफलता को दर्शाता है। दोस्तों चीन की सरकार की नीतियां जो हैं उसमें शोध और विकास कार्यों पर विशेष जोर दिया जा रहा है जिसके कारण चीन को इस सूची में 17वां यानी कि 17th स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र की तो GII इंडेक्स के अनुसार भारत जो है मध्य और दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में सबसे इनोवेटिव देश है। चलिए जान लेते हैं कि टॉप 10 कंट्रीज कौन सी हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक की इस सूची में। तो अगर हम टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो उसमें सबसे पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है, उसके बाद नीदरलैंड है, फिर स्वीडन है, फिर ब्रिटेन है, उसके बाद सिंगापुर, अमेरिका, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी और आयरलैंड। ये टॉप 10 जो हैं ये टॉप 10 कंट्रीज हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो कि आपके सामने हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में कि यह होता क्या है और इसकी रिपोर्ट से संबंधित कुछ मुख्य बातें क्या हैं और भारत के संदर्भ में ये रिपोर्ट क्या कहती है और इसमें टॉप 10 कंट्रीज कौन सी हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा और हमारे चैनल नॉलेज वैन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।